वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। शिव गुफा और जावरा जावरी वाटरफॉल के वीडियो में हमने देखा कि कैसे कपराड़ा गुजरात का चेरापूंजी कहलाता है। यहाँ गुजरात की सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इसी वजह से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मानसून में अपनी चरम सीमा पर होती है। जगह जगह ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल्स बन जाते हैं जिसको देखना अपने आप में काफी खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आज हम वापस कपराड़ा में किसी नई वाटरफॉल या लोकेशन की तलाश में निकल पड़े थे। गांव के रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते चारों तरफ हरी चादर बिछी हुई दिख रही थी, इसलिए हम आगे बढ़ते ही रहे। रास्ता काफी अच्छा था। हमारी दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां थी और बीच में से जा रही ऐसी मोड़ वाली सड़क बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसी रास्ते पर आगे हमें एक गांव दिखा जिसका नाम था मातुनिया। पहाड़ों के बीच में आए हुए इस गांव में काफी अच्छे लैंडस्केप के व्यूज बनते हैं। गांव में थोड़ा आगे जाने पर एक ऐसा एकदम तीखे ढलान वाला मोड़ आता है। हमने अपनी कार वहां साइड में रोक दी। यह मोड़ ऑलमोस्ट 180 डिग्री का है और काफी ज्यादा ढलान वाला भी है। इस मोड़ के ठीक बाजू में एक सुंदर सा वाटरफॉल है जिसका नाम है मातुनिया वाटरफॉल। रोड के बाजू में से ऊपर से ही बेफिक्र होकर गिर रहे पानी को आप देख सकते हैं। उसकी मधुर आवाज यहां तक आ रही थी। चलिए अब नीचे उतर कर देखते हैं। यहां साइड में से ही पगडंडी बनी हुई है जिस पर से आप सीधा नीचे वाटरफॉल के पास जा सकते हैं। लेकिन आगे हमें जो नजारा दिखा, हम अपने आप को वहां जाने से रोक नहीं पाए। चलिए आपको भी वहां का व्यू दिखाता हूं। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू बन रहा है। यहां से ये नजारा हमें लाइफ टाइम याद रह जाए ऐसा कमाल का लग रहा था। हमने पहले नीचे खाई में जाने का डिसाइड किया। वैसे तो नीचे जाने का रास्ता साफ और अच्छा है, पर यहां काफी स्टिफ ढलान है, इसलिए काफी संभल कर जाना होगा। बाय चांस हमने साथ में लगभग 1 लीटर पानी और नाश्ता करने के लिए कुछ पैकेट साथ में रास्ते में ही ले लिए थे। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, इसलिए अगर आप यहाँ आते हो तो साथ में पानी तो जरूर लेकर आना। आसपास के सीनरी का आनंद लेते हुए हम नीचे उतरने लगे। ढलान कितनी स्टिफ है आप देख सकते हैं। चलिए अब नीचे उतरते हैं। रास्ता मिट्टी वाला होने के कारण थोड़ा फिसलन भरा जरूर है। बेहतर है कि छोटे छोटे स्टेप्स संभल कर रखें, तो आप स्लिप नहीं होंगे। नीचे बह रही नदी अब और भी खूबसूरत लग रही थी।
हमें नीचे उतरने की जल्दी तो थी, पर ऐसी जगहों पर जल्दबाजी ठीक नहीं है। हमें हर कदम संभल कर रखना चाहिए। हम काफी नीचे तक उतर आए हैं। यहां से मेरे लेफ्ट की ओर जाने पर नदी के पास जा सकते हैं और थोड़ा आगे सीधा जाने पर दूसरे वॉटरफॉल के करीब जा सकते हैं, जिसे अभी आप देख रहे होंगे। ऊपर वाला वॉटरफॉल मातुनिया वॉटरफॉल है। नीचे गिर रहा दूसरा वॉटरफॉल भी छोटा है, पर काफी खूबसूरत है। जैसे ही हम नीचे की ओर गए, वहां झरमर झरमर बारिश शुरू हो गई और उसने आसपास सब कुछ मानो हमारे लिए धोकर रख दिया हो। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ ये वॉटरफॉल का पानी आ रहा था तो दूसरी तरफ ये नदी का पानी आ रहा था। दोनों पानी मिलके एक बड़ी नदी बना रहे थे। अभी पानी थोड़ा कम था, पर जो सीन बन रहा था वहां पे वो कमाल का था। थोड़ी देर में वहां पर फिर से बारिश शुरू हो गई, तो हमने वहां पर कुछ टाइम लैप्स शूट करने का सोचा और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। चारों तरफ काले बादल आ गए थे और मानो शाम का वक्त हो गया हो ऐसा लग रहा था। अभी दोपहर के 1:30 बजे थे। पहाड़ी के पीछे से आते हुए बारिश के बादलों को आप देख सकते हैं। वो एकदम कम हाइट से जा रहे थे। बारिश बंद होने पर हम आसपास की जगह देखने लगे। अभी ज्यादा बारिश नहीं होने के कारण पानी अभी भी साफ आ रहा था, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा था कि पानी पहले के कंपेयर में थोड़ा तो बड़ा है। बारिश कभी आती थी तो कभी बंद हो जाती थी, इसलिए हम संभल कर धीरे धीरे आगे जा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ गीली चट्टाने फिसलन भरी हो गई थी और मुझे अपनी हड्डी भी नहीं तुड़वानी थी। थोड़ा ही आगे जाने पर पानी गिरने की जबरदस्त आवाज आने लगी। हम समझ गए कि आगे एक और बड़ा वॉटरफॉल है। ये नजारा देखिए आप। यहाँ पानी का प्रवाह बहुत ही ज्यादा होने की वजह से हमें ज्यादा पास जाना सेफ नहीं लगा, इसलिए हमें यहाँ से ही एंजॉय करना ठीक लगा। उफलता हुआ ये पानी काफी जोर से नीचे गिर के ऐसी आवाज कर रहा था मानो वो गर्जना कर रहा हो।
हमने वहाँ उस वाटरफॉल को थोड़ी देर एंजॉय किया, तभी हमारी नज़र नदी के पानी पर गई। वो वापस थोड़ा बढ़ता हुआ लग रहा था। अगर आप भी कभी जंगल की नदियों में जाते हो तो ऐसी बातें जरूर ध्यान में रखें। वहाँ कभी भी पानी बढ़ सकता है, जैसे यहाँ पर बढ़ता हुआ पानी दिख रहा है। वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं थी और पानी भी ज़्यादा नहीं पड़ा था, पर हम वहाँ से मातुनिया वाटरफॉल की तरफ वापस जाने लगे। इसके लिए हमें वापस ऊपर तक जाना होगा और दूसरे रास्ते से नीचे फिर से उतरना होगा। ऊपर से देखने पर मानो हम हिमाचल प्रदेश में शिमला मनाली में घूम रहे हो ऐसा नजारा दिख रहा था। पहाड़ी की दूसरी तरफ नीचे एक चेकडैम बना हुआ था और दूर बादलों के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा था। पहाड़ों के पीछे से आते हुए बादलों को कुछ देर हमने एंजॉय किया और वापस मेन वाटरफॉल की ओर बढ़ने लगे। यहाँ आते वक्त आप अपने साथ एटलीस्ट 2 बड़ी पानी की बोतल साथ में रखें, वो बहुत काम आएगी। वापस हम ऊपर आ गए हैं। अब हमें इस रास्ते नीचे की ओर जाना है। ये रास्ता भी काफी तीखी ढलान वाला है, इसलिए अच्छे ग्रिप वाले शूज या सैंडल पहनकर आना ही प्रीफर करें। यहाँ के गांव वाले खुले पैरों से भी यहाँ पर आसानी से जाते हैं, क्योंकि उन्हें सालों की प्रैक्टिस हो गई है। मेरे जैसे मोटे लोग तो शायद अपने वेट की वजह से ही ग्रिप नहीं बना पाते होंगे। ये रास्ता अब छोटे छोटे पत्थरों वाला हो रहा है, जिस पर उतरना और भी डिफिकल्ट है। आप सीधे पैर की जगह थोड़े क्रॉस पैर रखें तो अपने ग्रिप को बढ़ा सकते हैं। आखिर हम धीरे धीरे उतरते हुए नीचे पहुंच ही गए। वाटरफॉल का सुंदर नजारा देखते ही सारी थकान मानो गायब हो गई। ये पूरा एरिया इतना ज्यादा खूबसूरत था कि हम यहाँ के एक एक कोने में नेचर की सुंदरता को देख रहे थे। वाटरफॉल का पानी भी एकदम साफ आ रहा था और ये एकदम सेफ जगह थी। हम उतर कर नीचे गए। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से जाता हुआ पानी एकदम काम साउंड कर रहा था। पानी भी ज्यादा गहरा नहीं होने की वजह से मैंने तो अपना कैमरा पानी के अंदर डाल दिया और उसके बाद जो फुटेज मिली मुझे तो वो कमाल की लगी। आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताएं। पता नहीं कितनी बार मैंने बोला होगा, पर ये वाटरफॉल काफी खूबसूरत है। इसके आसपास के पत्थरों में पेड़ों ने मानो कब्जा करना स्टार्ट कर लिया है। थोड़े ही दिनों में यहाँ पर काफी पेड़ पौधे हो जाएंगे। काफी देर वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद हमने बैठ के नाश्ता किया और वापस घर की ओर जाने का सोचा। मातुनिया वाटरफॉल की ये ट्रिप तो हमारे लिए एकदम यादगार बन गई। आपको ये जगह और वाटरफॉल्स कैसे लगे वो कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर कभी आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो प्लीज इस खूबसूरत नेचुरल जगह को कचरा डाल के बर्बाद मत करना। ये आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आखिर हम ऊपर पहुंच गए। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे वहां पर धमाकेदार बारिश की एंट्री हुई। हमें पूरे रास्ते में एकदम हैवी बारिश देखने मिली। अब शायद इस नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया होगा, लेकिन अब शाम हो चुकी थी और हमें अपने घर भी पहुंचना था, इसलिए हम घर की ओर जाने लगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता।